हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। मैं हूँ कल्याणी और आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जो टॉपिक है आपको वह दिखाई देगा। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में होता क्या है, रिएक्शंस क्या है, प्रिंसिपल्स है, इसमें मेथड्स यूज करते हैं और इंडिकेटर्स, इस बारे में हम जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता क्या है, तो देखिए प्रिंसिपल क्या है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग द टाइट्रेशन टेक्निक। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जो है टाइट्रेशन का ही टाइप है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता था, तो यहाँ देखिए प्रेसिपिटेशन एने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इस तरह का टाइट्रेशन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन द टाइट्रेंट रिएक्ट विद द एनालाइट एंड फॉर्म एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट। यहाँ पे जो है टाइट्रेंट एनालाइट के साथ रिएक्शन करता है, टाइट्रेट होता है और इनसोल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उस प्रोसेस को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। जैसे कि यहाँ देखिए एग्जाम्पल है सिल्वर नाइट्रेट विथ सोडियम क्लोराइड, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म होती है विथ सोडियम नाइट्रेट। तो ये है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की रिएक्शन। इसके बाद जो है मेथड्स है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पेपर में आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एंड पॉइंट डिटेक्शन मेथड थ्री मेन प्रोसीजर्स आर वाइडली यूज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो देयर आर टोटल थ्री मेथड्स फॉर द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, दैट इज मोहर्स मेथड, ओलार्ड्स मेथड एंड द फजन्स मेथड। तो वन बाय वन ये तीनों मेथड हम जो है देखने वाले हैं। तो पहली थी हमारी मोहर्स मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, तो जो क्रोमेट इंडिकेटर्स होते हैं वो हम मोहर्स मेथड में यूज करते हैं। जिस मेथड में क्रोमेट इज यूज्ड एज ए इंडिकेटर उस मेथड को बोला जाता है मोहर्स मेथड। तो देखिए दिस मेथड यूटिलाइजेस द क्रोमेट एज एन इंडिकेटर, क्रोमेट फॉर्म अ प्रेसिपिटेट विद सिल्वर, बट दिस प्रेसिपिटेट हैज अ ग्रेटर सोलुबिलिटी देन दैट ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तो यह डायग्राम में देखिए ये है हमारा एनालाइट वाला सॉल्यूशन। इस यहाँ पे देखिए पहले जो है सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होती है, वो भी प्रेसिपिटेट ही है व्हाइट कलर की। उसके बाद में टाइट्रेट के साथ रिएक्शन होती है और पिंक कलर का जो है आपको सिल्वर डाइक्रोमेट जो है आपको मिलता है एंड पॉइंट, यानी पिंक कलर के प्रेसिपिटेट आपको यहाँ फॉर्म होते हैं। तो देखिए मोहर्स मेथड में क्या है, तो क्रोमेट इंडिकेटर यूज होता है और यहाँ दो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं सिल्वर क्लोराइड की व्हाइट प्रेसिपिटेट और उसको टाइट्रेट किया जाता है, अगेन प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है सिल्वर डाइक्रोमेट। तो ये जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है उसकी सोलुबिलिटी जो है कम होती है एंड जो हमारा फॉर्म हो रहा है सिल्वर डाइक्रोमेट, यानी क्रोमेट वाला जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसकी सोलुबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सिल्वर क्लोराइड से। यानी यहाँ कौन सा मैकेनिज्म होता है, तो सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म फर्स्ट एंड आफ्टर ऑल क्लोराइड इज कंज्यूम। सिल्वर क्लोराइड जब फॉर्म हो रहा है तो इसमें का पूरा क्लोराइड है वो कंज्यूम हो जाता है और उसके बाद जो हमारा सिल्वर का एक्सेस अमाउंट में रहा है, सिल्वर है और क्लोराइड, क्लोराइड पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, सिल्वर बाकी बचा रहा, तो उसके साथ जो है हमारा क्रोमेट इंडिकेटर रिएक्ट होता है और उस वहां पर जो है रेडिश कलर की प्रेसिपिटेट आपको ऑब्जर्व होती है। तो ये है हमारी मोहर्स मेथड की रिएक्शन जिसमें एक्सेस ऑफ सिल्वर यानी सिल्वर क्लोराइड जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसका जो क्लोराइड है वो कंज्यूम हो जाता है और एक्सेस ऑफ जो सिल्वर है उसकी हमारी इंडिकेटर के साथ रिएक्शन होती है और पिंक कलर का एंड पॉइंट आपको प्रेसिपिटेट वहां दिखाई देता है। ये है हमारी रिएक्शन फॉर मोहर्स मेथड। तो देखिए पहले टाइट्रेशन रिएक्शन है जिसमें सिल्वर क्लोराइड के साथ टाइट्रेट हो रहा है और सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट वहां फॉर्म हो रही है। उसके बाद में हम इंडिकेटर रिएक्शन करते हैं जिसमें क्रोमेट इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं और फाइनल जो है रेड प्रेसिपिटेट आपको ऑब्जर्व होता है। तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शन फॉर दी मोहर्स मेथड।
उसके बाद में आती है हमारी ओलहार्ट्स मेथड। तो देखिए इसमें क्या होता है, दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड। ये जो ओलहार्ट्स मेथड है वो इनडायरेक्ट मेथड है फॉर द क्लोराइड डिटर्मिनेशन। क्लोराइड डिटर्मिनेशन के लिए इनडायरेक्ट मेथड ओलहार्ट्स मेथड को माना जाता है। वेयर एन एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड सिल्वर इज एडेड टू द क्लोराइड सोल्यूशन कंटेनिंग फेरस एज एन इंडिकेटर। तो इसमें जो है हम क्रोमेट इंडिकेटर यूज नहीं करते, फेरस एज एन इंडिकेटर जो होता है वो हम ओलहार्ट्स मेथड में यूज करते हैं। तो एक्सेस ऑफ सिल्वर इज देन टाइट्रेट विद द स्टैंडर्ड थायोसाइनेट सॉल्यूशन अंटिल अ रेड कलर इज ऑब्टेन्ड व्हिच रिजल्ट फ्रॉम द रिएक्शन। तो इसमें हम इस मेथड में कर क्या रहे हैं, तो एक्सेस ऑफ सिल्वर जो है हम ऐड कर रहे हैं क्लोराइड सॉल्यूशन में, जिसमें हमारा फेरस इंडिकेटर भी है और ये जो एक्सेस हमारा जो सिल्वर है उसको टाइट्रेट किया जाता है थायोसाइनेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। और उसके बाद में वो टाइट्रेशन कंप्लीट होता है तो हमारे को एंड पॉइंट पॉइंट में रेड कलर जो है वो ऑब्टेंड होता है। तो इसमें रिएक्शन देखिए कौन सी है, फेरस जो इंडिकेटर है हमारा थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट होता है, टाइट्रेट होता है और फेरस थायोसाइनेट जो है आपको प्रेसिपिटेट आपको यहाँ ऑब्जर्व होती है इन दी ओलहार्ट्स मेथड। तो ये है हमारी रिएक्शन, जिसमें पहले तो एक्सेस ऑफ सिल्वर जो है हमारा क्लोराइड सॉल्यूशन में ऐड किया जाएगा कंटेनिंग अ फेरस इंडिकेटर, उसको फिर टाइट्रेट किया जाता है थायोसाइनेट सॉल्यूशन के साथ और फॉर्म होती है फेरस थायोसाइनेट रेड कलर की प्रेसिपिटेट। तो ये थी हमारी ओलहार्ट्स मेथड फॉर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। उसके बाद में हमारी थर्ड मेथड है, दैट इज दी फजन्स मेथड। तो इसमें जो है हम फ्लोरोसेन जो इंडिकेटर्स होता है या केमिकल होता है वो हम यूज करते हैं। हमारी पहली थी मोहर्स जिसमें हमने क्रोमेट इंडिकेटर यूज किए थे, सेकंड थी ओलहार्ट्स जिसमें हमने फेरस इंडिकेटर यूज किया गया था और ये हमारी है थर्ड मेथड दैट इज दी फजन्स मेथड जिसमें हम फ्लोरोसेन जो है यूज करते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, फ्लोरोसेन एंड इट्स डेरिवेटिव आर एड्सॉर्ब टू द सरफेस ऑफ कोलोइडल सिल्वर क्लोराइड। जो हमारी सिल्वर क्लोराइड की जो कोलाइड्स फॉर्म हुए हैं उसके सरफेस पे जो है हमारा फ्लोरोसेन इंडिकेटर एड्सॉर्ब होता है। आफ्टर ऑल क्लोराइड इज यूज द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ, इसमें भी जो है क्लोराइड पूरा यूज हो जाता है यानी उस पर जो है फ्लोरोसेन के हमारा जो केमिकल है एड्सॉर्ब हो जाता है और एक्सेस ऑफ जो हमारा सिल्वर है तो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ सिल्वर विल रिएक्ट विद द फ्लोरोसेन। सिल्वर क्लोराइड के क्लोराइड में एड्सॉर्ब होने के बाद फ्लोरोसेन जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लोरोसेन डाल रहे हैं वो सिल्वर के साथ जो है रिएक्ट होता है और वहां पे जो है रेडिश कलर का जो हमारा एंड पॉइंट है वो वहां मिलता है। तो यहाँ पे होता क्या है, तो एक्सेस ऑफ जो सिल्वर है वो फ्लोरोसेन इंडिकेटर के साथ बाइंड होता है और वहां प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है सिल्वर फ्लोरोसेन के। तो यहाँ अमोंग दीज मेथड द ओलहार्ट्स मेथड इज वाइडली यूज बिकॉज वी कैन डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन वेरी वेल। तो ये तीनों मेथड में से जो है हम ओलहार्ट्स मेथड वाइडली यूज करते हैं क्योंकि उसमें इजीली डिटेक्ट होता है हमारा एंड पॉइंट ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो आपको ये तीनों के तीनों मेथड में होता क्या है, तो फजन्स मेथड में जो है फ्लोरोसेन एड्सॉर्ब होता है सिल्वर क्लोराइड पे और जो क्लोराइड है वो पूरी की पूरी यूज हो गई और बाकी बचा हमारा सिल्वर, तो उसके साथ फ्लोरोसेन की रिएक्शन होती है और रेडिश कलर फॉर्म होता है। ये थी हमारी फजन्स मेथड। इसके बाद में इसमें जो है कुछ इंडिकेटर्स है, जैसे कि क्रोमेट वाले हमने बताए थे, फेरस है, फ्लोरोसेंस है, तो पोटेशियम क्रोमेट एंड सिल्वर क्रोमेट ये जो इंडिकेटर है ज्यादातर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के लिए ही यूज होते हैं। तो ये आपको दोनों इंडिकेटर याद रखने हैं। उसके बाद में इसके एप्लीकेशन, अगर हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कर रहे हैं तो इसका जो है यूज क्या है, हम वो क्यों कर रहे हैं, तो देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन बी यूज फॉर मेकिंग अ पिगमेंट्स। जो पिगमेंट्स होते हैं उसको बनाने के लिए हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है यूज करते हैं। उसके बाद में इट ऑल्सो यूजफुल फॉर द रिमूविंग साल्ट फ्रॉम वॉटर इन वॉटर ट्रीटमेंट। वॉटर ट्रीटमेंट में जो है वॉटर में से साल्ट को रिमूव करने की प्रोसेस में जो है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन प्रोसेस यूज करते हैं। एंड क्वालिटेटिव केमिकल एनालिसिस में भी जो है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जो है हम यूज करते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अगर कुछ क्वेरीज है तो कमेंट करें। वीडियो को जो है फार्मा स्टूडेंट या फिर जिनको टाइट्रेशंस है सभी फील्ड वालों को जो है शेयर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए जो है वेट करें। थैंक यू।